पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। नाबालिग आरोपी के दादा की कोर्ट में पेशी, और उधर ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दादा को गिरफ्तार किया है। दादा पर ड्राइवर को धमकाने का आरोप है, झूठा बयान देने का आरोप है। 19 मई की घटना है हिट एंड रन की, जब कल्याणी नगर इलाके में पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से दो लोगों को टक्कर मारी थी। दोनों लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। फिर ड्राइवर सामने आया, ड्राइवर पर दबाव बनाया गया कि इस पूरे मामले में वो जिम्मेदारी ले। और अब जानकारी के मुताबिक, क्योंकि दादा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और जो दादा हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उस लड़के के, दादा पर ड्राइवर को धमकाने का आरोप है। हालांकि विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा, जिसे 14 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई थी, और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जो पीड़ित परिवार है वो अपने लिए हक की मांग कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। और पुणे का पोस्ट कार मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में है और पुलिस की भी लगातार कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है। पुलिस एक्शन मोड में है। पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। नाबालिग आरोपी के दादा की कोर्ट में पेशी, और उधर ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दादा को गिरफ्तार किया है। दादा पर ड्राइवर को धमकाने का आरोप है, झूठा बयान देने का आरोप है। 19 मई की घटना है हिट एंड रन की, जब कल्याणी नगर इलाके में पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से दो लोगों को टक्कर मारी थी। दोनों लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। फिर ड्राइवर सामने आया, ड्राइवर पर दबाव बनाया गया कि इस पूरे मामले में वो जिम्मेदारी ले। और अब जानकारी के मुताबिक, क्योंकि दादा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और जो दादा हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उस लड़के के, दादा पर ड्राइवर को धमकाने का आरोप है। हालांकि विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा, जिसे 14 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई थी, और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जो पीड़ित परिवार है वो अपने लिए हक की मांग कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। और पुणे का पोस्ट कार मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में है और पुलिस की भी लगातार कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है। पुलिस एक्शन मोड में है। पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। नाबालिग आरोपी के दादा की कोर्ट में पेशी, और उधर ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दादा को गिरफ्तार किया है। दादा पर ड्राइवर को धमकाने का आरोप है, झूठा बयान देने का आरोप है। 19 मई की घटना है हिट एंड रन की, जब कल्याणी नगर इलाके में पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से दो लोगों को टक्कर मारी थी। दोनों लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। फिर ड्राइवर सामने आया, ड्राइवर पर दबाव बनाया गया कि इस पूरे मामले में वो जिम्मेदारी ले। और अब जानकारी के मुताबिक, क्योंकि दादा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और जो दादा हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उस लड़के के, दादा पर ड्राइवर को धमकाने का आरोप है। हालांकि विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा, जिसे 14 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई थी, और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जो पीड़ित परिवार है वो अपने लिए हक की मांग कर रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। और पुणे का पोस्ट कार मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में है और पुलिस की भी लगातार कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है। पुलिस एक्शन मोड में है।